देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। ट्रेनी डॉक्टर का क्यों इतनी बेरहमी से किया गया रेप और मर्डर, सीबीआई झांकेगी आरोपी के दिमाग में, जानेगी पूरी वारदात। जी हां, कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों को साइको एनालिसिस टेस्ट कराए जाएंगे। वहीं सीबीआई मुख्यालय में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया कि साइकोलॉजिक विशेषज्ञ की टीम शनिवार को कोलकाता पहुंच गई है, जो इस मामले की जांचकर्ताओं के साथ तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाने में मदद करने वाली है। इस मामले में जांच एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 30 लोगों की पहचान की है, जिनके खिलाफ और उन लोगों से जुड़े अन्य कनेक्शन के खंगाला जा रहा। इस दौरान जांच एजेंसी ने अधिकारियों ने मृतक डॉक्टर के माता पिता से मिलकर कई सवालों की फहरिस्त तैयार की है, जिससे इस मामले की और बेहतर तरीके से जांच पड़ताल की जा सके। इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित अस्पताल के कई सदस्य, लेडी डॉक्टर के कई सहकर्मी और वारदात वाले दिन ड्यूटी पर तैनात कोलकाता पुलिस के जवानों और दूसरी निजी गार्ड से पूछताछ की जा रही। वहीं शनिवार 17 अगस्त को ही सीबीआई की टीम दुष्कर्म और हत्या के आरोपी संजय रॉय के घर पहुंची और संजय रॉय की मां से विस्तार से कई सवालों का जवाब लिया। जी आपको बता दें कि कैसे होता है साइको टेस्ट और कितना लगता है वक्त। आपको बताना चाहेंगे कि सीबीआई से जुड़े सूत्र के मुताबिक किसी भी आरोपी का जब साइको एनालिसिस टेस्ट होता है तो उसकी प्रक्रिया में करीब 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है। इस प्रक्रिया के तहत आरोपी के साइकोलॉजी को जानने के लिए कई तरह का टेस्ट किया जाता है, जिससे कि उसकी आदतों और व्यवहार के साथ उसकी समझ को भी जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान मनोचिकित्सक आरोपी से बेहद शांत तरीके से कई तरह के सवाल पूछते हैं और जिससे आरोपी के जहन में घूम रही बातें और उसकी आदतों का एक जवाब के तौर पर जानने का प्रयास किया जाता। इस दौरान उसके गुनाहों से जुड़े कई सवालों को घुमा फिरा कर कई तरह के सवाल किए जाते हैं, जिससे कि गुनाह की असलियत को समझा जा सके। वहीं आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं 9 अगस्त को कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की 4th मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। इस मामले की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही स्थानीय पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलेंटियर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया था, लेकिन अब यह मामला काफी बड़े स्तर का मसला बन चुका है। इसे लेकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।